हेलो, वेलकम टू अद्विस कुकिंग एंड आर्ट क्लासेस। आज हम मिक्स फ्रूट केक का और एक डिज़ाइन देखने वाले हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंच का बेस, जिसमें मैंने एसेंस डाला है मिक्स फ्रूट का। तो यहाँ पे हम ऊपर का थोड़ा ट्रिम करके 3 लेयर में कर लेंगे केक को। केक को हमेशा हम 3 लेयर में ही करते हैं। यहाँ पे सोकिंग करेंगे हम शुगर सिरप से, उसके बाद क्रीम अप्लाई करूँगी मैं। क्रीम हमारी फ्रेशली बीट की हुई चाहिए, बहुत देर से बीट करके नहीं रखनी है। स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं है तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश यूज़ किया है थोड़ा सा। और फिलिंग में हम फ्रेश फ्रूट डालेंगे, पाइनएप्पल और कीवी। पाइनएप्पल और कीवी को मैंने कुक कर लिया है। कीवी को मैंने ज़्यादा कुक नहीं किया है, लेकिन पाइनएप्पल को मैंने पूरा कुक करके लिया है। सेकेंड लेयर रखेंगे। साइड को फिल हमें हमेशा करना है केक को, ताकि हमारे केक को अच्छे से हाइड भी मिले और केक जो है वो नीचे से बैठेगा भी नहीं, अगर क्रीम इसके अंदर बहुत से फिल हुई है। क्रीम अगर फिल नहीं करेंगे हम तो वो थोड़ा डोम होता जाएगा, साइड से वो नीचे बैठता जाएगा। साइड को क्लीन कर लेंगे। और सेकेंड लेयर में भी हम थोड़ा सा पहले स्ट्रॉबेरी का क्रश और उसके बाद मिक्स फ्रूट डालेंगे। मिक्स फ्रूट्स में आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो, एप्पल भी ले सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर पाइनएप्पल और कीवी लेती हूँ। अगर स्ट्रॉबेरी का सीज़न में स्ट्रॉबेरी मिलती है तो स्ट्रॉबेरी लीजिए। टॉप के लेयर को हम अंदर से सोक करेंगे पहले, क्योंकि वो ऊपर से अच्छे से सोक नहीं होता है। फिर से साइड को अच्छे से फिल करेंगे, थोड़ा सा सोकिंग ऊपर से भी करेंगे हम। और फिर टॉप को क्लीन करेंगे, पहला लेयर दे देंगे तो ये हमारी क्रम कोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे सेकेंड लेयर मैंने कर लिया है, टॉप को हम क्लीन कर लेंगे। केक को अगर डिज़ाइन देनी है तो मैं स्क्रैपर की हेल्प से उसको लाइनिंग दे रही हूँ। अगर प्लेन रखना है तो प्लेन भी रख सकते हैं आप। केक को बोर्ड पे शिफ्ट कर लेंगे, उसके बाद बॉर्डर करेंगे हम। आपकी पसंद की कोई भी बॉर्डर आप यूज़ कर सकते हो। मैं स्टार नोजल से सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ। फ्रूट्स लिए हैं मैंने कुछ, उसको स्लाइस कर लिया है। एप्पल, पाइनएप्पल और कीवी लिया है मैंने। वही बॉर्डर में ऊपर भी दे रही हूँ। केक रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। बाय बाय।